भाई सब लेकर साथ चलेंगे, देखेंगे भाई कैसा हो रहा है इसमें। और दोस्तों हमेशा याद रखो, जिसने कौम से गद्दारी करी है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो बर्बाद हो जाता है। कौन ऐसी चीज है कि डूबे वो किनारे में ले जाती है, वो कौम का ही काम है। हमारे बुजुर्गों से देखते चले जाओ, जब उनका पहले कबीले चलते थे, कबीले के बड़े लोग अगर गलत हो गए तो पूरा कबीला तबाह हो गया। ऐसे कौम का मामला है, कौम सही चलेगी तो सब कुछ है, कौम के लोग गद्दार पैदा हो जाएंगे तो नफरत हो जाएगी। आज भी है, हम उनसे नफरत नहीं करते, उन्हें चैलेंज करते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ और कौम के साथ हो जाओ, कौम का साथ दो ताकि कौम तरक्की करे। तो दोस्तों आज मौका ज्यादा उसका नहीं है, बोलना बहुत चाहता हूँ लेकिन चूंकि कमी का मामला है, कुछ और काम भी देख रहे हैं, एफआईआर का मामला देख रहा है, इसलिए देखो सब तो करने चाहिए। अल्लाह की तरफ से भी हमें हिदायत है कि हर चीज में सब्र करो, अल्लाह हर काम बेहतर करता है। अल्लाह की जिन्हें क्या बेहतरी है जो घटना घटी है, ये भी अल्लाह की कोई बेहतरी है। तो दोस्तों हमें इस्लाम के दायरे में रहकर चलना पड़ेगा तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, और हम अपने उसूलों को छोड़ जाएंगे तो बर्बादी हो जाएगी। हमारे उन लोगों को शर्म आनी चाहिए आज भी कि जो अभी कल से मुझे रिपोर्ट मिली है, कुछ लोगों में लालच है उनके ऊपर, उन्हें जीने का हक नहीं है। और आज बिरादरी की बात करते हैं, आगे बिरादरी की वो बात करता है जो बिरादरी के ऊपर जानने को तैयार रहे। तो दोस्तों परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट जैसी कुछ भी है, जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी पैरवी करी जाएगी और आखिर दर्ज तक उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कामयाबी मिलेगी, हमारे वकला लोग साथ रहेंगे, हमारे नौजवान लोग आगे 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 चले जाएंगे। जहां अधिकारियों की बड़ी बात है हम उनके साथ जाके मिलेंगे। हमारे बरसात बैठे हैं, इनके नाम से भी सारे अधिकारी घबरा जाते हैं। तो ऐसी चीजें तुम्हारे साथ है तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी बात की घबराने की। और बेटे तुम लोगों से मेरी ये अपील और है कि कोई काम ऐसा मत करना जिससे कोई बदनामी या कोई थप्पा अब लग जाए, अपने हिसाब से काम करो। क्योंकि बुजुर्गों दोस्तों मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतनी बड़ी कौम होते हुए एक तेली का मुकाबला कर रहा है, तेली उसमें बैठा हुआ है, लालच है हमारी चीजों पर। दोस्तों लोग उससे डरते हैं, लोग उससे डरते हैं, कभी नहीं डरना चाहिए। डरो तो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बता दूं बात, हमारे तमाम लोग सियासी परिवार था, दाऊद दयाल खत्ता से चली, दाऊद दयाल सरदार ने अपना नाम अपना आदमी बनवाया, हमारे नाम रिपोर्ट कराई, नंबरदार के पास खबर आई, नंबरदार इस बार मौका है आप तस्वीर कर लो, नंबरदार बोले भाग पाई चल वकील थे वो प्रतिनाथ करना जवाब कैसे हो गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे पास, हमें हाँसी हो जाएगी हो जाने, लेकिन अपनी बात खराब नहीं करूंगी। तो दोस्तों ऐसा बनो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह भी अल्लाह हमें छुड़वा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुदरत बहुत बड़ी चीज है। और यार मुसलमान के लिए तो कुदरत ने बड़े रियायतें दी है, हम गुनाह करके भी अल्लाह ताला हमें माफ कर देता है। आप घबराओ मत, सच्चे मुसलमान बनो और देखते कोई क्या करेगा। और रही जहां महबूब, महबूब की तो ताकत इतनी नहीं है, अगर लकीर शहीदों के अबुआ के बाहर निकल जाए, आप उसे जानते नहीं, मैं जानता हूँ, बस आप अपने उसे कर दीजिए और पूरी कौम आपके साथ है, पूरे लोग आपके साथ है। दोस्तों ये मौका ज्यादा उसका नहीं है, फिर होगी बातें। आज चूंकि ताजियत का मामला है तो उसमें मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, वरना मैं इसकी पोल खोल दूंगा। मैं फिर खोलूंगा, आज ताजियत की बात है, आज नहीं।